बच्चा हो गया, अगर उसको छोड़ कर मंदिर में आया ना, उसको भूमिका में काम नहीं, बच्चे को पकड़ते नहीं और सत्संग में भागती रहती है, कहाँ जाती रहती है, ये बच्चे को देखती है, फिर ताना मारने लग जाए। आप देखना ऐसे ऐसे संसार में फंस जाते हैं ना, जिससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। फिर प्रश्न किया बोले कि बताओ भगवान का हमारे प्रति आदेश क्या है, ठाकुर ने हमें क्या आदेश देकर भेजे। आदेश है स्मर्तव का सतत विष्णु विस्मर्तव नाम जात उचित, उनको केवल एक ही आदेश है और कोई आदेश हमारे प्रति नहीं, केवल एक आदेश है स्मर्तव का सतत विष्णु, हर समय भगवान को स्मरण करो, हर समय उनकी भक्ति करो, हर समय उनके नाम करो, केवल एक ही आदेश, हमारे प्रति कोई आदेश नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को और ऊपर करना लगे कपास। हम घर गृहस्थ करने नहीं आए, हम ये संसार करने के लिए नहीं आए, ये जीवन इसलिए नहीं है, ये जीवन था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वो केवल भगवान को जानने के लिए जीवन का आनंद दिया। और मातृ गर्भ से आते समय हमने भगवान से कसम खा करके आए, बोले प्रभु कभी भी ये छोटे संसार में आप नहीं बसे। हमने देख लिया है, क्या देख लिया, बोले परिवार के लिए झूठ बेईमानी करके पैसा कमाया, सुख का समय दुनिया थे, दुख का समय कहाँ वो बीवी, कहाँ वो बच्चे, कहाँ वो पति, कहाँ परिवार, कोई है नहीं। सारे कर्म का फल हमें अकेले लेना पड़ रहा है, इसलिए प्रभु ये तो मतलब का संसार है, केवल एक चांस दे दो। बोले क्या चांस है, बोले मातृ गर्भ से बोले निकाल दो। बोले क्या करोगे, बोले उठते बैठते सोते केवल तेरा नाम लूंगा, ये घर गृहस्थ में नहीं फंसूंगा, यही केवल हम यही प्रतिज्ञा लेकर के आए और केवल एक ही कर्तव्य हर समय उनको स्मरण करना। देखो एक संत कह रहे थे जब ब्रह्मा जी सर्वप्रथम सृष्टि की, सृष्टि में उन्होंने चतुर्सर्ग सृष्टि की, भगवान का आदेश किया था, ये सृष्टि का क्रम पड़ा, सर्वप्रथम उन्होंने चतुर्सर्ग सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने जब आदेश दिया, भगवान का निर्देश है, ये संसार का क्रम बढ़ा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, बोले हम ये घर गृहस्थ बसना नहीं चाहती, ये बड़ा दुखमय। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, सर्वप्रथम हमने इनको सृष्टि की, हाँ भगवान का निर्देश है संसार का क्रम बढ़ाओ, लेकिन जिसको सबसे पहले सृष्टि की उन्होंने ही इनकार, भैया हम घर गृहस्थ में नहीं बसना, ये बड़े जंजाल दुखमय। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो ललाट से शंकर जी की सृष्टि की। देखो एक संत कह रहे थे चार आश्रम है, पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ पचीसा, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। जैसे 25 साल ब्रह्मचर्य के बाद में फिर आता है गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ संन्यास। लेकिन जैसे ब्रह्मचर्य 25 साल, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य 25 साल किए उनको गुरु जी प्रश्न करते थे बताओ अभी तुम क्या करोगे, अभी क्या करना चाहते हो, जो सारे वेद वेदांत उपनिषद सारे भागवत सब पढ़ करके जो समझ जाते थे कि जीवन क्यों मिला, बोले श्रुति सिद्धांत यह गुरुगारी भैकीय राम सब काज निसारी। जितने श्रुति सिद्धांत पुराण वो एक ही बात कहते हैं, भैकीय राम सब काज निसारी, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये भगवान का निर्देश है। जो व्यक्ति इनको ये चीज को समझ गया, वो कहता था गुरुदेव हमको ये घर गृहस्थ में नहीं फंसना, क्योंकि जो जीवन मिला है वो केवल ब्रह्म को जानने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, हमें ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं, हम तो गुरु जी की सेवा करते हुए जिंदगी भर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। पर वो क्या करते थे, गुरु जी के आश्रम में रह करके देखो ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट वो छलांग लगाते थे संन्यास में, लेकिन यहाँ जो 25 साल और यहाँ जो 25 साल क्या हुआ कंसेशन मिल गया, उनको इसको भोगना नहीं पड़ा, सीधा छलांग लगा। लेकिन जो व्यक्ति ने कहा जे संसार, जिसको बहुत ही संसार की वासना है, इसके बगैर रह नहीं सकते, गुरु जी कहते देखो अभी घर में जाओ, अपना धर्म के अनुरूप वर्ण के अनुरूप शादी करना, शादी करके गृहस्थ धर्म को जाचन करना, ये एक गृहस्थ आश्रम भोग का आश्रम नहीं,
इसलिए शास्त्र ने बताया कैसे ये गृहस्थ धर्म जाचन करनी चाहिए, किस रूप में संसार का भोग करनी चाहिए। हाँ, ये भोग के लिए नहीं, भजन के लिए। लेकिन कितने साल तक रहोगे? बोले ज़्यादा नहीं, 50 साल। 50 साल उससे ज़्यादा नहीं। 50 के बाद में एक का बन बा बन मतलब बन वृंदावन जा, अभी घर में नहीं। चौबन बन मतलब वृंदावन, इसलिए 50 रुपये बनो ब्रज, बन जाओ और घर में नहीं, नहीं तो बहू के साथ में लड़ाई झगड़े होगा, फिर तो भजन नहीं कर सकते। बन जाओ, वृंदावन में जाओ। हैं, आप लोग सप्तमस करते हैं पढ़िएगा, सबसे जो कठिन आश्रम बताया ना, इसको बताया ये वानप्रस्थ आश्रम। नाखून काट नहीं सकते, बाल काट नहीं सकते, साबुन लगा नहीं सकते, तेल बहुत कठिन, सबसे ज़्यादा कठिन आश्रम वानप्रस्थ। बोले क्यों? बोले कारण क्या? बोले कारण है, तुमने मानव जन्म मिला था भजन के लिए, तुमने भजन में नहीं लगाया, घर गृहस्थ में। अभी तुम्हारी हृदय जो दूषित तो हो गया, हृदय जो तुम्हारी दूषित तो हो गया, उसको भूलने के लिए तुम्हें 25 साल तक कठोर साधन करना पड़ेगा। कैसे वो दिमाग से वो संसार का जो वासना कैसे निकल जाए, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा कठिन आश्रम बताया। अब पढ़ करके देखिएगा, सबसे चार आश्रम में सबसे ज़्यादा कठिन आश्रम है ये वानप्रस्थ आश्रम है, फिर उसको बाद में ये संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम। इसलिए अगर जो छलांग लगा देगा ना तो बढ़िया है, 50 साल उसकी बर्बाद नहीं होगा, उसको जीवन क्या हो गया, भगवान की भक्ति में लग गई, भक्ति भजन में लग गई। इसलिए बोले पिताजी का क्या आदेश है, भगवान हमें क्या आदेश दिया? बोले केवल एक आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हर समय भगवान की स्मरण करो। बोले आदेश क्या नहीं है? बोले भी स्मर्तव्य न चातुचिता, कभी उनको भूलना नहीं, हर समय उनका स्मरण करना और उनको कभी भूलना नहीं, केवल एक ही आदेश भगवान की, और कोई आदेश ठाकुर जी का नहीं है। फिर उन्होंने प्रश्न किया, बोले ये बताओ ऐसे कौन सा, हाँ कहते ऐसे कौन सा वस्तु जो 25 तत्वों से जो बना हुआ है, ऐसे कौन सा वस्तु जो 25 तत्वों में। बोले ये शरीर है, ये 25 तत्वों में ये शरीर बना हुआ 25 तत्वों में। बोले ये बताओ ऐसे कौन सा नारी है जो बिना बुलाए वो घर घर में घूमती रहती, जिसको कोई नहीं चाहते लेकिन वो जोर जबरदस्ती हर घर घर में घूमते रहती है। बोले ऐसे कौन सा नारी है? बोले ये ऋतु। दुनिया में कोई मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? भले 100 साल के हो गए लेकिन रहता है, और अभी तक और 100 साल जिंदा रहेंगे। 100 साल के हो गए, 200 साल का प्लानिंग बना कर बैठे, और शीशा में अपना मुंह को देखो, कभी कोई सोचता है बुढ़ी हो गई? 80 साल 90 साल हो गया, जब शीशा में अपना चेहरा देखते हो कोई सोचते हैं कभी अभी बुढ़ी हो गए? नहीं, लगता है अभी तक बच्चे हैं, अभी तक हमारा जन्म हुआ है। लेकिन मृत्यु को कोई नहीं चाहते, लेकिन नहीं चाहने पर भी ये मृत्यु ये घर घर में घूमती रहती है। नारद जी उनको ऐसे ऐसे बात बताए ना नारद जी, जिसको सुन करके वो तो एकदम दिमाग चकरा गया, उनको दिमाग एकदम चकरा गया। बोले अभी क्या करोगे, अभी संसार में जाओगे? बोले गुरुदेव इतने सारी बात सुनने के बाद फिर कोई संसार में जाए? बोले बताओ क्या? बोले गुरुदेव हम तो पूरा भजन करना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव एक बात है, लेकिन इस सब चीज़ जानने पर भी हम जानते ही ये माया है, लेकिन क्या माया का हम छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते, जानते ही ये माया है, हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन जानते हुए भी हम ये चीज़ को छोड़ नहीं पाते। गुरुदेव हम तो सुन लिया, लेकिन ये माया तो जितना बड़ा कठिन है। इसलिए गुरुदेव बोले क्या चाहिए? बोले जब तक बिना महत पदो रजो विषय कम, महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नाहक है। मतलब है जब तक किसी महान पुरुष की कृपा नहीं होना, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, ये संसार ही नष्ट नहीं होता है। बोले क्या चाहते हो? बोले गुरुदेव आशीर्वाद, आशीर्वाद दो, बगैर संतों के आशीर्वाद से कुछ नहीं हो सकता है।
तब नारद जी सर पर हाथ रखते ही उनको दिव्य ज्ञान प्रकट हुई, फिर उन्होंने संसार छोड़े और सबके सब संन्यास। अभी दक्ष प्रजापति को पता चला, मैंने जो 10,000 संतान को सृष्टि किया था, ठाकुर ने आदेश दिया था बढ़ाने के लिए, तो सबके सब उनको भीख मंगाने वाला बना दिया है। खुद तो भीख मांगता घर द्वार है नहीं अपना, और इनको भी भीख मंगाने वाले इनको भी बना दिया। फिर उन्होंने फिर 10,000 संतान को सृष्टि की, फिर नारद जी को पास में भेजे। जब फिर उनकी लिखाई पढ़ाई हो गई, फिर बोले, फिर नारद जी उनको यही प्रश्न की, तब नारद जी बोले बताओ क्या करोगे। बोले बड़े भाई जो अनुसरण किया, बड़े भाई जिधर गए हमें भी वही फॉलो करनी चाहिए। जब उन्होंने चले गए सबके सब संन्यास बन करके, फिर तक दक्ष प्रजापति को इतना क्रोध आया बोले तो बैठे बैठे कर सबको बिगाड़ रहे हो। तो इसका नाम क्या था? बोले दक्ष मतलब क्या, जो सृष्टि काल में जो दक्ष है, भक्ति में दक्ष नहीं, जो सृष्टि काल में दक्ष है। बोले तो बैठे बैठे करके हैं, हम सारे बच्चों को भीख मंगाने वाले तुमने बना दिया, तुमने हम तुम्हें अभिशाप देता हूँ। तू जब एक जगह में रुकोगे तभी तो किसको साधु बनाओगे ना, एक जगह में तुम एक मुहूर्त से ज्यादा तुम टिक नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे भटकते रहना। जब नारद जी को ये अभिशाप दिया, नारद जी दुखी नहीं हुए, खुश हो गए। बोले बढ़िया हो गया। बोले क्यों? पहले तो एक जगह में बैठे बैठे कर कथा बोलता था, अभी एक जगह में तो रह नहीं सकता, अभी तो सारा दुनिया मेरे को घूमना पड़ेगा, अभिशाप दे दिए। बोले जहाँ जाओगे सबको भक्त बनाओगा, कथा सुनाओगे, क्योंकि बोले एक मुहूर्त से ज़्यादा नहीं टिक सकते हैं। एक मुहूर्त कितना होता है, कितना समय होता है एक मुहूर्त, कितना होता है एक मुहूर्त, खेती करके 48 मिनट होता है। तब उन्होंने बोले एक मुहूर्त ज़्यादा नहीं टिक सकते। लेकिन दक्ष प्रजापति को क्या पता है ये साधु संघ कितने महिमा, इसलिए श्री पृथ्वी महाराज कहते हैं बोले तुलयाम लवनापी न स्वर्ग न अपो नर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम की मुता शिष्य। बोले एक मुहूर्त की बात छोड़ दो, श्री पृथ्वी महाराज जी कहते हैं जब चतुसन इनके घर में चतुसन जब आए, पृथ्वी महाराज स्वयं कहते हैं साधु संघ की कितने महिमा, साधु संघ की कितने महिमा, स्वयं भगवान पृथ्वी महाराज भगवान की अवतार है, हैं। इसलिए वो कहते हैं तुलयाम लवनापी न स्वर्ग न अपुनर्भव। जीवन में अगर एक लव साधु संघ हो जाए, बोले एक लव कितना है, बोले एक सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का जो एकमा भाग है उसको एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय अगर साधु संग हो गया ना, बस बड़ा पार है। जैसे गोस्वामी जी कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनी आध तुलसी सतसंगत मिना से होती अपराध। साधु संग की इतने महिमा, जिसको साथ में स्वर्ग, बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो, स्वर्ग में कितना आनंद है, रंभा उर्वशी मेनका जहाँ पर अमृत पान करो, और जहाँ पर हैं वहाँ पर सुधर्मा सभा में रहो, पारिजात पुष्प वहाँ कहते हैं कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का एक फूल में इतनी शक्ति, जो कुछ मांगो वो आपको सब कुछ दे देगा, एक फूल में इतनी शक्ति है। सनातन गोस्वामी कहते बृहद भागवत मंत्र में एक फूल में इतनी शक्ति, जो मांगो रिद्धि सिद्धि वैभव खान पान नृत्य वाद्य, एक फूल ही सब इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, उसमें इतने शक्ति, एक पुष्प में इतने शक्ति है। और स्वर्ग के ऊपर में मोह जन तप सत्य, उसके बाद में ब्रह्म लोक, कहते इस सारे लोक में जो आनंद है साधु संघ की, एक लव साधु संघ की इतने महिमा है, कहते उसको साथ में इसको बराबर नहीं कर सकते हो, इतने आनंद की साधु संघ में। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बोले भैया ये साधु संघ कह रहे हैं, कहते एक मोर एक लव साधु संघ में इतने महिमा, पर ये साधु संघ से हमें क्या मिलता है, ये साधु संघ को इतने महिमा क्यों बताया गया, साधु संघ हमें क्या देता है। जो कि साधु संघ कहते साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लवमात्र साधु संघ सर्वसिद्धि है, बोले एक लव साधु संघ से जीवन में सब कुछ मिल जाता है, पर ये साधु संघ से हमें क्या मिलता है, साधु हमें क्या देता है।
अब बताओ तो क्या देते हैं ये साधु, हमें क्या देते हैं? कहते ये एक लम साधु संघ में सब कुछ होता, क्या देते हैं? कोई पूजा पूजा दीजिए, बताओ तो साधु संघ की क्या, साधु संघ एक मूर्ति साधु संघ में क्या मिल जाता है? जोर से बोलो और क्या, और क्या देते हैं? रोहिणी बोलो क्या बोलते, क्यों ये साधु कल कहते एक मूर्त साधु संघ में कल जिसका स्वर्ग मुख्य भी बराबर नहीं कर सकते, क्या तो साधु संघ से क्या दिए है, क्या चीज दिए जो कि स्वर्ग मुख्य भी बराबर नहीं? भगवान ने देते हैं। देखो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बात कहते हैं, वो कहते हैं ये भक्ति को एक लता बताया गया, भक्ति को एक लता बताया गया, ये भक्ति लता है और धीरे धीरे वही लता पहले अंकुर होता है, फिर उसमें दो पत्ते आती है, फिर टहनियाँ आती हैं, फिर वो बढ़ते बढ़ते पहले ब्रह्मांड को भेद करता है, फिर भेद करता है ब्रह्म लोगों को, फिर द्वारका को, फिर मथुरा को, फिर अयोध्या को, फिर जाकर कहाँ कहता है राधा कृष्ण का चरण को जाकर के ये आश्रय करता है, राधा कृष्ण चरणों को आश्रय करता है। लेकिन ये लता, लेकिन वो लता आएगा कहाँ से? बीज से आएगी, वो लता आएगी बीज से आएगी, अगर बीज नहीं होगा तो लता असंभव है। अभी प्रश्न है विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं फिर वो बीज हमें मिलेगा कहाँ, वो बीज हमें कौन देगा? वो बीज श्रद्धा है, ये श्रद्धा को बीज बताया, लेकिन वो बीज हमें देगा कौन, ये बीज कहाँ से मिलेगा? तब कहते सतान प्रसंगात मम वीर चमित है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते ये ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 84 लाख जन्म भटकते भटकते जब भक्ति उन्मुख सुकृति हमारे बहुत रूप में संचय होता है, पर भगवत इच्छा और गुरु जी से हमें वो भक्ति लता बीज मिलता है, भक्ति लता बीज मिलता है। कैसे मिलता है? बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, बोले किससे मिलता है? बोले गुरु कृष्ण प्रसाद, बोले गुरु तो हमें हरिनाम दिया मंत्र दिए, लेकिन यहाँ पर कृष्ण फिर नाम की बात आए, गुरु कृष्ण कृपा से ही ये भक्ति लता बीज मिलती है, फिर ये कृष्ण का नाम फिर क्यों आए, कृष्ण उसमें क्या कहते हैं? तब जीव गोस्वामी कहते हैं देखो इसलिए बताया ना जो गुरु जी का जो लक्षण बताया, क्या लक्षण बताया? तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया, कहते हैं क्या श्लोक है, तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साब्दे परेच निस्नातम ब्रह्म नीव समाश्रय। गुरु जी का जो लक्षण बताए उसमें नेमी नवजोगेंद्र संवाद, इसमें उसमें नेमी महाराज प्रश्न करते हैं ये माया बड़े ठगिनी है, ये माया को पार करना बहुत कठिन है। जब उन्होंने प्रश्न किया ये माया को जीव कैसे पार करेगा, तब नवे जोगेंद्र कहते हैं तस्मात गुरुम प्रपद्येत, इसलिए माया को पार करने के लिए तुम्हें तस्मात गुरुम प्रपद्येत, तो गुरु जी के चरण में शरणागत होना पड़ेगा। हैं कहते ना गुरु घर जान के और पानी पियो छान के, ये कहते हैं ना, इसलिए फिर ये शब्द क्यों आया गुरु घर जान के, कारण किया बोले गुरु जी की जो लक्षण है उसमें विशेषकर दो लक्षण बताया, शब्दे शब्दे परे चली सनातम, पहले सारे शास्त्र को जानने वाले होने चाहिए। हैं गुरुदेव कहते थे ये सब कुछ नहीं, आप मथुरा में देखोगे एक वो वासुदेव चतुर्वेदी आते थे ना, वो 7 का विषय में आचार्य किया, एक सब्जेक्ट में आचार्य करना बहुत कठिन, उसने 7 सब्जेक्ट उसने आचार्य किया और इतने धुरंधर पंडित थे, इतने धुरंधर पंडित वो था। कहीं एक सभा हो रही थी, सभा में बहुत लोग थे, उसमें एक श्री जी बाबा थे, उन्होंने बोला अभी कोई पंडित पंडित कुछ है नहीं, सब पहले थे पंडित मंडित, लेकिन वो बैठा हुआ था उसी सभा में, इसने में इतने में खड़ा हो गया, बोले आप कैसे बता रहे हो पहले पंडित थे अभी पंडित नहीं है, आप कैसे बता रहे हो? बोले कहाँ पंडित थे? बोले बताओ क्या चाहते हो, तुम चाहते हो क्या? वो श्री जी बाबा नामी एक साधु है, बोले यहाँ पर एक काम कर सकते हो, एक घंटा को अंदर में 100 श्लोक बना सकते हो तू,
एक एक घंटे में 100 श्लोक तू बना सकता हो। फिर उसने एक श्लोक बनाने के लिए, नया श्लोक, कोई मुखस्थ नहीं, याद नहीं, बल्कि एक श्लोक बनाना बड़ा कठिन है, उसमें बहुत सारे विचार है, वहाँ बैठ ही बैठ करके बल्कि एक विषय लेना पड़ेगा, और जब पैंडल लगा हुआ था ना पूरा उसी को लेकर के एक घंटा में उन्होंने 100 श्लोक बना कर दे दिया। वो बाबा को देख देख दंग हो गया। इसलिए गुरु जी कहते थे केवल शास्त्र को रट लेना, याद कर लेना, ये गुरु का ये अंतर लक्षण नहीं, बाहर का लक्षण है, ये सब कुछ नहीं है। बोले अंतर लक्षण क्या है? बोले परिच निष्णातो, कहते हैं उनको अनुभूति संपन्न होनी चाहिए। ओ गुरुदेव, अनुभूति संपन्न होनी चाहिए, केवल बोलने वाले नहीं, ये उनका बाहर लक्षण है, ये बाहर लक्षण, अंदर लक्षण भजन परायण और भगवत अनुभूति होनी चाहिए। कहते अगर उनको भगवत अनुभूति नहीं होगा ना, वो शिष्यों के हृदय में भी अनुभूति नहीं करा सकते, क्योंकि उनके हृदय में स्वयं को की अनुभूति नहीं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। बीज तभी होगा जब वृक्ष होगा, तब तो बीज आएगा ना, अगर वृक्ष नहीं होगा तो बीज कहाँ से आएगी? वृक्ष होनी चाहिए, भक्ति लता की वृक्ष होनी चाहिए, लेकिन तभी तो बीज होगा, लेकिन भक्ति लता बीज वृक्ष कहाँ से आएगी? हाँ, अगर वो साधु अगर सचमुच से भजन करते हैं, हैं भजन पराणे, वो लता बढ़ते 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 कहाँ तक जाती? बोलो कि वृंदावन तक जाती। हाँ, इसलिए जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं ना, जैसे कुछ वृक्ष होता है जो डायरेक्ट डिसीजन वृक्ष नहीं बनता बीज से, जैसे बरगद का वृक्ष और जैसे पीपल का वृक्ष, डायरेक्ट बीज को लेकर बो दो वो आपको वृक्ष नहीं होगा। कब वृक्ष होगा? जब उसको कोई चिड़िया खाएगी, जब बीट करेगा, फिर जा करके वो वृक्ष बनता है। उसी तरह मंत्र तो शास्त्र में लिखा हुआ, पुराण में लिखा हुआ, फिर हम ये गुरु जी से क्यों लेते हैं? कारण यही है, गुरु जी भजन करते 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 उनकी भक्ति लता रूपी जो बीज है ना, वो गोलोक वृंदावन तक उनका भक्ति लता बीज, ये गोलोक वृंदावन तक पहुंचा वो बीज है, हैं? इसलिए शास्त्र में बताया गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, मतलब उनको अनुभूति संपन्न होनी चाहिए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो बीज है वो सबसे ये बीज नहीं मिलता, जिसको भक्ति लता वृक्ष हुआ है बीज केवल वहीं से ही मिलेगा। इसलिए एक लव साधु संतों द्वारा हमें क्या मिलता है? वो भक्ति लता बीज हमें मिलता है, और बीज से ही धीरे धीरे अंकुर होते होते वो लता धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। इसलिए यहाँ पर हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वो जब जब वो कथा करते थे उन्होंने यहीं से शुरू करते थे। बोले कौन कहाँ से? नारद जी को दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया, एक मुहूर्त से ज़्यादा कहीं तुम टीक नहीं सकते हो, लेकिन ये अभिशाप सब जगह में लागू था, लेकिन केवल एक जगह में वो अभिशाप काम नहीं करता था। बोले कहाँ कहाँ काम नहीं करता था? कहाँ पर? कहाँ पर? हाँ, वो काम द्वारका में नहीं करता था। बोले द्वारका में क्यों नहीं करता था ये काम? कारण है वहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ पर रहते थे। बोले गोविंद भुजो गुप्तायाम, भगवान की जो हाथ भुज लहा दे, कहते जैसे किसी बच्चे को माँ जैसे अपना गोद में भर करके हैं लेकर के बैठे, उसी तरह जो द्वारका जो धाम था भगवान की नित्य धाम है द्वारका धाम, साक्षात भगवान का निवास स्थली, निवास स्थली होने का नाते वहाँ पर सारा दुनिया में इनके अभिशाप सारा दुनिया में लगता था, लेकिन जब वो द्वारका में रहते थे वो अभिशाप वहाँ कोई काम नहीं करता था। इसलिए नारद तो सर्वत्र भ्रमण करते थे, सबको भक्ति की उपदेश देकर के कल्याण करते थे, लेकिन जब उनकी इच्छा तो तक कुछ दिन तक कहीं रहे, फिर वो कहाँ आ जाते थे? वो द्वारका आ जाते थे। द्वारका आकर के वहीं पर भगवत दर्शन, भगवत कथा सुनना और भगवान की भक्ति में वहीं पर ही समय को बिताया करते थे। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, मतलब अभिशाप भगवत भक्ति में, भगवत भक्ति में और भगवान का आशीर्वाद से ऊपर की अभिशाप वहाँ लागू नहीं होता है। तब यहाँ पर कहते हैं एक समय ये जो श्री ऋषभ देव के
कदरीसर देव के 100 बच्चे थे, उनके 100 बच्चे थे। जब श्री ऋषभ देव अभी वो चाहते हैं संसार छोड़कर भजन कर लिए जाए, तब एक समय उन्होंने सारे बच्चों को उन्होंने बुलाई, बुला करके सारे बच्चों को उन्होंने उपदेश दिया है। उन्होंने उपदेश दिए, बोले देखो बच्चों, ये जो मानव शरीर भगवान दिए हैं, ये मानव शरीर ठाकुर ने हमें क्यों दिया है? बोले ये विषय भोग के लिए, ये मानव शरीर नहीं, ये मानव शरीर केवल भगवत प्राप्त के लिए। इसलिए बोले गुरु न सस्यात्, स्वजनन न सस्यात्, पिता न सस्यात्, दैवम न तत्सरणम न पतिम सस्यात्, न मुचेत जह समपेद मृत्यु। क्या देखो बच्चों, ये जीवन का उद्देश्य क्या? भगवत प्राप्ति। अगर ये भगवत प्राप्ति में कोई बाधा देते हैं, वो गुरु क्यों नहीं हो? अगर वो बाधा देते हैं, वो गुरु गुरु नहीं। इसलिए श्री बलि महाराज ने अपना गुरु जी को त्याग दिया। जब वामन देव आए, बोले जानते हो ये कौन है? ये सख्यात भगवान विष्णु, पहले जो मोहिनी बनकर के आए थे ना, और वंचित कर दिया अमृत से, वो मोहिनी अभी मोहन बनकर के आए। खबरदार, दान नहीं देना भगवान को, ये तीन चरण नहीं, ये त्रिभुवन में ले जाएगी। ऐसे दान को दान नहीं माना जाता, तो बड़े खुश हो गए। एक पर तो देवी पर शरीर में बैठ कर चढ़ करके आए, फिर एक दान लेने के लिए सख्यात भगवान, अरे बता रहे भगवान को ही दान मत दिया करिए, कैसे गुरु है? गुरु जी का लक्षण बताए, अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरव नमः। गुरु वही है जो भगवान जो कण कण में व्याप्त है, जो भगवान का दर्शन कराते। सख्यात भगवान आए भिक्षु मांगने के लिए, वो कह रहे हैं क्या भगवान को दान ही मत दिया करो? बोले जरूरत नहीं इसे गुरु को, बोले हम तो दान देंगे। बोले बात नहीं सुनोगे? बोले नहीं। बोले जा तो उससे ही भ्रष्ट हो जा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं दान जरूर मैं दूंगा ही, हैं? इसलिए दान मैं जरूर दूंगा। इसलिए बोले गुरु न सस्या, बोले सौ जननी न सस्या। वो माँ अगर हमें भगवान भक्ति में आदेश नहीं करे, वो माँ को भी माँ माँ नहीं। माँ को किसने त्याग दी? किसने त्याग दी? किसने दिया? भरत जी ने दिया। उन्होंने माँ को त्याग दे दी। जब उसने आए ननिहाल से, देखा उन्हें भगवान राम को वनवास में दे दिया, माता सीता चली गई। बोले अगर प्रभु राम अगर असंतुष्ट नहीं होते ना, अभी तरह मेरा गला काट दे आदमी, हैं? पिछले जिंदगी भर के लिए मैंने कभी तुमको माँ कभी मैं नहीं बोलूँगा, कभी माँ नहीं बोलूँगा। जब भगवान राम आए, गुरुदेव कथा सुनाते थे, जब राम वापस आए, एक दिन माता कैकेयी ने राम के पास आए, बोले बेटा एक काम करोगे? बोले माँ बताओ क्या बोल रहे हो? बोले एक बार तू भरत को बोल दे, केवल एक बार माँ मेरे को बोल दे, बात इतना सुन करके ना मैं अपना प्राण त्याग दे दूँ, और कोई मेरे मन में इच्छा नहीं, केवल माँ एक बार मेरे को बोल दे। राम भरत को बुलाए, बोले भरत एक काम करना पड़ेगा, एक आदेश पालन करोगे? बोले बोले तीन तरह का सेवक होते, एक उत्तम और एक मध्यम और एक कनिष्ठ होते हैं। बोले उत्तम सेवक कौन है? उत्तम सेवक कौन है? बिना बोले जो करता है वह उत्तम सेवक होता है, बिना बोले हैं उत्तम सेवक उसे कहते हैं, जैसे बिना बोले तो करता है। और जैसे आपको पति को, जैसे पति बाहर जा रहे हैं, ठंडा का समय है, आप बोले देखो और दूर जा रहे हैं, बोले थोड़ा टिफिन में खाना ले जाओ, नहीं तो एक साल ले जाओ ठंडा लगेगा। पति कहता अरे मैं जाऊँगा वापस, से क्यों चिंता कर? बोले नहीं लेकर के जाओ। जोर जबरदस्ती अगर टिफिन में कुछ सब्जी दे दे, खाना दे दे, जोर जबरदस्ती उसको साल दे दे, कोई ठंडा लग जाएगा। ऊपर में तो पति मना कर रहे हैं बंद, लेकिन अगर पत्नी दे दे तो पति कितना खुश होगा बताओ? कितने खुश, देखो मेरी पत्नी कितनी कितने अच्छी, कितने मेरे को ध्यान रखते हैं, मना कर रहा हूँ बंद हो तभी दे रहे हैं। इसलिए उत्तम सेवक उसे कहते हैं, गुरुदेव मना करने पर नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए हमें जरूरत नहीं, लेकिन वो क्या करती हैं? नहीं जोर जबरदस्ती नहीं, ये आपके लिए सही है, इसमें आपका फल कल्याण है। कहते उत्तम सेवक उससे है, गुरुदेव मना करने पर भी, मना करने पर भी जो करता है इनकी इच्छा को जानकर कहती है उत्तम सेवक है। और कहते मध्यम सेवक कौन है?
भले बोलने से पहले जो जान कर कर ले। भले कनिष्ठ सेवक कौन है, कहते हुए है जब आदेश करने पर तब वो करता है। लेकिन अधम सेवक कौन है, गुरुदेव कहते थे से ब क, गुरुदेव कहते थे उसमें से को हटा दो क्या रह जाएगा, बोले बग मतलब बगला है, बस सेवक नहीं हो बगला है। इसलिए भरत कौन है, वो उत्तम सेवक है, वो प्रभु की इच्छा जानकर करने वाले ये सेवक है। जब भगवान बोले तेरे को ये एक आदेश पालन करना पड़ेगा, बोले प्रभु आप तो कहीं मेरे को जिंदगी में आदेश दिए ही नहीं, आप आदेश देने से पहले आपकी मन जानकर मैं कर लेता हूँ, लेकिन आज मेरे को आप आदेश दे रहे हो। हाँ, इसलिए मेरे गुरुदेव का एक उपदेश है, मेरे गुरुदेव का एक उपदेश, वो कहते हैं शिष्य हुए हैं गुरु जी की मन की अभीष्ट जान करके, गुरु जी की इच्छा की इच्छा जान करके जो ये सेवा करता है, लेकिन ये चीज शिष्यों का हृदय में स्फूर्ति कैसे होगा। मेरे गुरु जी कहते हैं, मेरे गुरु जी कहते हैं अगर जो सच्चा सेवक होगा, जो निष्कपट सेवक होगा, भले गुरु जी की जो अभीष्ट गुरु जी की जो इच्छा है वो शिष्यों के हृदय में अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होता है, अपने आप गुरु जी की सारी इच्छा उस हृदय में स्फूर्ति प्राप्त अपने आप हो जाता है, हैं? इसलिए भरत जी ने कहा प्रभु अभी तक अब तक मेरे को कोई आदेश ही नहीं दिए, आदेश देने से पहले कर लेता, बोले आपका सारे आदेश पालन करूंगा लेकिन एक आदेश नहीं कर सकता, पालन नहीं कर सकता। बोले क्या, बोले ये कई कई को कभी मैं माँ नहीं बोल सकता, ये आदेश को छोड़ गए ना और मैं सारे आदेश को मैं पालन कर सकता हूँ। यद्यपि प्रभु राम अंदर में खुश हुए क्योंकि उन्होंने प्रभु राम के लिए काम, इसलिए बोले गुरु न सस्यात सो जननी न सस्यात, बोले पिता न सस्यात, कहते हो पिता पिता नहीं, बोले कौन है, प्रमाण क्या है श्री कौन है, हाँ इसलिए प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप हैं, उन्होंने हिरण्यकश्यप पिता है, लेकिन आदेश देने पर भी उन्होंने पिताजी के आदेश को उन्होंने पालन नहीं किया। बोले हरि की भजन तुम कर ही नहीं सकते हो, भगवान का नाम तुम नहीं कर सकते हो, इसलिए उन्होंने अपना पिताजी को उन्होंने त्याग दिया। इसलिए मीरा ने जब गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में पत्र लिखती हैं, बोले गुरुदेव अभी मैं क्या करूँगा, तुलसीदास जी को बोले अभी मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी मेरे सारे परिवार सब विरोध है मेरे, ननद सास पति जेठ सबके सब विरोध है, अभी तुलसीदास जी को बोले अभी मुझे क्या करनी चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास पत्र लिखते हैं, बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजी और कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो परम स्नेह की पात्र है लेकिन जिनके प्रिय ना राम वैदेही, जिनके प्रिय राम वैदेही ने तेजी और कोटि वैरी सम, उनका करोड़ शत्रु जान करके त्याग दो। हैं तो उन्होंने एक एक उदाहरण दिया किसने किसने किसको इसको त्याग दिया, भरत कैसे माँ को, बलि कैसे गुरु को, प्रहलाद कैसे पिता को, गोपियों कैसे अपना पति को, और विभीषण कैसे अपना भाई को उन्होंने त्याग दिया है। जगमल जगमय मंगल हरि, इनकी मंगल मंगल हुआ। इसलिए कि जो मानव शरीर हमें दिया, क्यों दिया ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर मानव शरीर दिया भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, केवल एक उद्देश्य और उद्देश्य नहीं, इसलिए जीवन नहीं ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा, ये जीवन केवल साधन की ये धाम स्वरूप मानव शरीर है। इसलिए श्री ऋषभ देव ने अपना बच्चों को उन्होंने सारी ज्ञान की बात बता कर चले गए, और उनको बच्चे में विशेष करके 9 बच्चे विशेष हुए हैं, कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पीपल, उनको विशेष करके 9 उनको ऐसे बच्चे हुए जो परम ब्रह्म ज्ञानी हुए, बड़े ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। कहते एक समय ये ब्रह्म ज्ञानी अपना इच्छा अनुरूप जहाँ चाहते थे उधर वो चलते, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, और सर्वत्र हरि भक्ति को प्रचार करते थे। इसलिए यहाँ पर श्री एक समय श्री द्वारका में भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी एक बहुत बड़े यज्ञ के अनुष्ठान की, जो यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। लेकिन नियम है यज्ञ जब तक पूरी नहीं हो
पूर्णाहुति नहीं हो, बीच में बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब यज्ञ कर रहे थे ठीक बीच में देखा एक बहुत बड़ा ज्योति आकाश से उतरते हुए आ रही, सबके सब देखने लगे ज्योति कहाँ से आया। धीरे धीरे ज्योति जब नीचे आया देखा कोई यदि इंसान है, लेकिन वो ज्योति जब नीचे आ गया बोले इंसान नहीं वो स्वयं श्री नारद जी है। अरे नारद जी को देख करके वसुदेव महाराज वहाँ खड़े हो गए, खड़े होकर बोला आज यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, यज्ञ का जो फल है वो साक्षात रूप में यहाँ यज्ञ का फल श्री नारद जी के रूप में आ गए। उन्होंने जितने सारे सामग्री इकट्ठे किए थे वो यज्ञ के लिए नारद जी को सिंहासन में बैठा करके वो सारे सामग्रियों को उन्होंने श्री नारद जी के चरण की उन्होंने पूजा की। तब श्री वसुदेव महाराज कहते हैं बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। कहते एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा दुर्लभ किया बल्कि उससे ज्यादा दुर्लभ है भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है। तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं जगाई माधाई के, उदाहरण फिर कौन किया नित्यानंद और हरिदास ठाकुर ने इनकी कल्याण किया। महाप्रभु जब आदेश दिया जाओ घर घर में जाओ सर्वत्र हरि भक्ति प्रचार करो, लेकिन भक्त इतने दयालु हुए, इतने दयालु हुए जो मार खा करके भी उनको माधाई ने सर फोड़ दिए। लेकिन बोले भैया एक बार सर फोड़ दिए कोई बात नहीं, एक बार तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार भगवान का नाम तो लो। इसलिए कहते महाप्रभु कौन है बोले नाम महा बदान्याय, बहुत बड़े दानी है लेकिन उनसे बड़ा दानी कौन है। कहते महा महाबदान्य कौन है बोले उनसे भी बड़ा दानी है कहते श्री उनके भक्त लोग हैं, भगवान से भी ज्यादा दानी भक्त लोग हैं। इसलिए यहाँ पर से विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर उन्होंने भक्तों की दया का तो बहुत अच्छी अच्छी बात बता दी, भक्त कितने दयालु हैं। भाई बहुत हो गया, इसलिए हम कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रणिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वंशा दुर्भ कृपा सुच पतिता नाम पावने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
अरे क्या कर रहे हो? अच्छा क्या आपका? हाँ इससे काम अरे